अगर दोस्तों आपका भी अकाउंट इस बैंक में है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो अब दोस्तों आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से भी आप लोग पर्सनल लोन ले पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे लोन कैसे लेना आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आपका भी अकाउंट इस बैंक में है तो आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक वॉच कर लेना है। अगर दोस्तों आपको पैसे की इमरजेंसी है तो आप लोग बहुत आसानी से अपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से लोन ले पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग कितना का लोन ले पाएंगे यहाँ पे चलिए मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आप लोग 10,000 से लेकर 50,000 तक का आप लोग लोन अप्रूवल मतलब आप लोग लोन ले पाएंगे। आप लोग वहां पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि आपको कितना का लोन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाना भी चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ देखिए, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे हमको कितना का लोन मिला है। यहाँ पे देखिए मैं अपने फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन किया हूँ और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए मेरे अकाउंट में यहाँ पे लोन आ भी गया है जितने मैंने अप्लाई किया था। आप लोग यहाँ पे देखिए मैं चेक बैलेंस पे क्लिक करूंगा, देन गाइस चेक बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपने बैंक पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आप लोग लाइव प्रूफ के साथ देखिए मैं अपने बैंक पे क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना यूपीआई पिन डालूंगा। यूपीआई पिन डाल के यहाँ पे टिक वाले पे क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पे लैपटॉप के साथ टिक वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा। देन गाइस यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे हमको यहाँ पे 20,000 का लोन यहाँ पे मिल गया है। और भी यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे मेरे को 20,000 का लोन मिल चुका है। तो आपको भी यार पर्सनल लोन लेना है तो आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक वॉच करना, आप लोगों को भी इस प्राइस से 20,000 का पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, देन गाइस आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि आप लोग पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करेंगे और दोस्तों आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपने मोबाइल फोन में आपको यहाँ पे क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रोम ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे डायरेक्टली सर्च पे क्लिक करना है। देन गाइस आपको यहाँ पे सर्च वाले पे यहाँ पे क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पे लिखना है IPPB और इसका से लोन, इसका से लिखना है IPPB लोन। आपके सामने यहाँ पे इसका से आ जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। देन गाइस आपके सामने यहाँ पे जो पहला वाला वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे देखिए आपको सिंपली इसी पहले वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है। देन गाइस पहले वाले वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आते यहाँ पे आपको पूरा नीचे आना है। देन गाइस आपके सामने यहाँ पे लोन का यहाँ पे सारा टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, आपको यहाँ पे पूरा निशान है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे किस प्रकार का लोन चाहिए आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन देगा। आप लोग यहाँ पे देखिए मैं नीचे आऊंगा, देन गाइस यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे चेक हेयर यहाँ पे टू अप्लाई, यहाँ पे होम लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कह रहा है। देन गाइस यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे लिख रहा है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपको कौन सा बैंक आपको लोन दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग पोस्ट वाले बैंक से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आपको लोन जो है यहाँ पे HDFC बैंक देगा, एक्सिस बैंक देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पोस्ट वाले बैंक के पास उतना बजट नहीं रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे लोन अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर दोस्तों आपको होम लोन अप्लाई करना है, अगर दोस्तों आपको घर वगैरह बनवाना है तो आप लोग यहाँ पे होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए, आपको होम लोन नहीं चाहिए, आपको कुछ और काम करना है तो आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अप्लाई हेयर फॉर एंड यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन यहाँ पे इसका लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको इसी वाले पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सामने इसका टर्म एंड कंडीशन आएगा। देन गाइस आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आएगा। देन गाइस आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आएगा। अब दोस्तों आपको सामने यहाँ पे नया पेज आ जाएगा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपका डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल डालना है, यहाँ पे आपको क्या क्या डालना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है सिलेक्ट लोन कैटेगरी और यहाँ पे इंटर पिन कोड और यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर और यहाँ पे इसका से सब कुछ ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करना है। पहले इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आपको यहाँ पे कौन सा लोन लेना है, आप लोग यहाँ पे देखिए सब लोन यहाँ पे है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे होम लोन यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोन का ऑप्शन दे रहा है। तो आपको पर्सनल लोन लेना है तो आपको सिंपली फिर पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। देन गाइस अब आपके सामने यहाँ पे आपका पिन कोड यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको जो पिन कोड रहेगा आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। यहाँ पे चलिए मैं अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पिन कोड यहाँ पे डाल दूंगा जो आपके आधार कार्ड में रहेगा, आप लोग देख के डाल दीजिएगा। डालने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आपका लिखेगा यहाँ पे इंटर फोन नंबर, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर भी डालता हूँ। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन गाइस आपके नंबर पर OTP भी आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपके सामने आप नीचे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से आई एम नॉट रोबोट लिख के आएगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। देन गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने
देन गाइस आपके सामने यहाँ पे इसका टिक का ऑप्शन दिख जाएगा, आपका मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा आपको उस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है और यहाँ पे टिक का ऑप्शन लग जाएगा दोस्तों, आपको टिक वाले क्लिक करना है और दोस्तों आपके सामने यहाँ पे गेट यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन देगा, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। देन गाइस आपके सामने यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना ओटीपी यहाँ पे फिलअप करना होगा, डालना होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना ओटीपी, यहाँ पे मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं अपना ओटीपी यहाँ पे डाल दूंगा। आपको भी यहाँ पे अपना ओटीपी डालना, जो भी आपको ओटीपी रहेगा यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मेरा ओटीपी आ गया, तो यहाँ पे चलिए मैं अपना ओटीपी डालता हूँ यहाँ पे, इस प्रकार से मैं अपना ओटीपी डाल दूंगा। यहाँ पे मेरा ओटीपी आ गया 12, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं डालता हूँ यहाँ पे 12 और दोस्तों यहाँ पे मैं अपना ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। आपको भी यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना, वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका वेरीफिकेशन होगा। देन गाइस आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आएगा, आप लोग यहाँ पे देखिए मैं वेरीफाई पर क्लिक कर दिया हूँ और दोस्तों यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन यहाँ पे लग जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपके सामने यहाँ पे इसका सिंटैक्स आएगा, यहाँ पे लिखेगा एक्सिस बैंक, यानी कि कह रहा है यहाँ पे आपको कौन सा बैंक आपका लोन दे रहा है। तो यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक लोन देगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से एक डिटेल यहाँ पे इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों आपसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं चलिए बार बार करके समझाता हूँ और दोस्तों यहाँ पे डाल के लोन अप्लाई करके सबको दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, यहाँ पे दोस्तों जो आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम रहेगा आपको यहाँ पे वो वाला नाम डालना है। देन गाइस अब आपके सामने यहाँ पे लिखेगा यहाँ पे लास्ट नेम, यानी कि दोस्तों आप लोग जैसे मान लीजिए मेरा आलोक कुमार नाम है, तो आपका जो भी मतलब मेरा जो है मतलब कुमार प्रजापति यहाँ पे जो भी मतलब लास्ट नेम रहता है आपको यहाँ पे डालना है। देन गाइस यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, दोस्तों आपके फोन में जो ईमेल आईडी रहेगा आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है और दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जेंडर की, दोस्तों आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। देन गाइस अब आपके सामने यहाँ पे इसका सिंटैक्स आएगा और दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे सब कुछ मतलब दिया है कि आपको यहाँ पे क्या क्या डालना है। तो यहाँ पे चलिए आप लोग जो पहले डाले होंगे वो आपका यहाँ पहले से फिलअप रहेगा, यहाँ पे देखिए पिन कोड और यहाँ पे मोबाइल नंबर ये सब यहाँ पे फिलअप है पहले से ही। तो यहाँ पे आपको जो जो मतलब डिटेल एक कह रहा है सभी डिटेल को डाल देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं बारी बारी करके सभी डिटेल डालता हूँ और दोस्तों आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ सब कुछ करके। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके सामने यहाँ पे लिखेगा यहाँ पे लेट रेफर्ड बाई, यहाँ पे अगर दोस्तों आप लोग पहले से लोन लिए हैं तो आपको मतलब आप लोग मतलब पहले से कहीं पे कर्जा या लोन वगैरह लिए हैं तो आप लोग इस पे भी इस पे क्लिक कीजिएगा और दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पूरा डिटेल यहाँ पे सही से आपको डालना है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल यहाँ पे सही से डालना है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए मैंने शुरू में एक मिस्टेक कर दिया था कि मैंने कह दिया था कि आप लोग मतलब आपका एज 18 साल से कम हो या ज्यादा हो आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये मैंने गलती कर दिया था। आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका जो है लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम आपका यहाँ पे कम से कम दोस्तों आपका यहाँ पे 19 साल एज होना चाहिए, 19 साल से ज्यादा होना चाहिए और दोस्तों यहाँ पे 55 साल के अंदर होना चाहिए तभी दोस्तों आपको लोन मिलेगा। तो ये मैंने शुरू में गलती कर दिया था, उसके लिए दोस्तों क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे सब कुछ कर पाएंगे। देन गाइस आप लोग यहाँ पे अपने टर्म एंड कंडीशन पे आप लोग क्लिक करेंगे, देन गाइस आप लोग यहाँ पे सब कुछ फिलअप करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे नीचे सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आएगा आ जाएगा और दोस्तों आपको जो नया पेज आएगा उसमें दोस्तों आपको जो है क्या रहेगा, आपका अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आएगा कि आप लोग किस मतलब आपका अकाउंट नंबर क्या है और दोस्तों अकाउंट नंबर वगैरह डालने के लिए रहेगा और दोस्तों वहां पे मतलब सब कुछ दिया रहेगा कि आपको मतलब किस अकाउंट में आपको पेमेंट रिसीव करवाना है। देन गाइस आपको वहां पे ये भी डालने का रहेगा कि आप लोग अपना EMI जो होता है जो ब्याज होता है आप लोग उसको किस अकाउंट से आप लोग जमा करना चाहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिलअप करने के बाद सारा डिटेल आपको अपना जो है सबमिट पर क्लिक करना नीचे, उस सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वहां पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, आपको जिस बैंक में अपना पैसा रिसीव करना है आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और आपका पिन कोड अगर मांगेगा तो यहाँ पे जो आपका पिन कोड रहेगा आप लोग अपने आधार कार्ड से देख के डाल दीजिएगा और दोस्तों आपके आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर आपका पैसा पहुंच जाएगा। वहां पे जो है आपको मतलब आपको कितना लोन मिलेगा वो भी वहां पे दिखा देगा, यहाँ पे आप लोगों को 10,000, 15,000, 20,000 जितना का मतलब आपको लोन लेना रहेगा वहां पे आपको जितने तक का लोन आपको मिल पाएगा आपको वहां पे साफ साफ दिखा देगा। आप लोग मतलब अपना लोन जो है अपने अकाउंट में आप लोग अकाउंट नंबर डाल के रिसीव कर सकते हैं और दोस्तों वहाँ पे ये भी दिया रहेगा कि आप लोग जो है मतलब जो EMI वाला पैसा है और जो लोन वाला पैसा आपका है जो आपका EMI बनेगा और जो लोन रहेगा आप लोग उसको किस बैंक से आप लोग पेड करेंगे, यानी कि दोस्तों आप किस बैंक से पैसा कटेगा मंथली ये भी वहाँ पे दिया रहेगा। तो यहाँ वहाँ पे सब कुछ दिया रहेगा और आपको जो है लोन भी रिसीव हो जाएगा बहुत आसानी से इतना सब कुछ करने के बाद। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, दोस्तों आपको यहाँ पे
लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, अगर मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तभी दोस्तों आप लोग लोन लीजिएगा, कि मतलब आप लोग, वरना आप लोग लोन मत लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग लोन लेंगे तो कम से कम 10 से 15% ब्याज लगेगा, यानी कि दोस्तों आप लोग अगर 1 लाख का अगर आप लोग लोन ले लेते हैं तो दोस्तों आपको 10-15 हज़ार ज्यादा पेड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप लोग किसी दोस्त या किसी रिलेटिव से आप लोग उधार ले लीजिए, उसमें आपका ज्यादा फायदा रहेगा, लोन लेने से बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से बहुत आसानी से अपना पर्सनल लोन ले पाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद, वंदे मातरम।